हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द सिविक्स सेक्शन इन सोशल साइंस. द चैप्टर्स नेम इज ऑन इक्वालिटी. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी सी दैट इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरी पीपल हैज द इक्वल राइट्स बिफोर लॉ. These include people's participation and the resolution of conflict and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Here is a story of Kanta, who was a servant in a house, and once upon a time her daughter gets ill. And she required some advance from her landlady, and where she also do the household chores. And in these sequences of the events, she also demand the advance from her own mistress. And mistress gave her. The mistress gave her advance, but she also said to her that don't make a habit of it. It means there are the several types of peoples who are not equal, and they are not equal on the basis of their caste, creed, criteria, and their earnings also. So let me discuss about the key feature of the inequality. When we discuss about the equality, we discuss about the equal right to vote. At first, equal right to vote. Here in this chapter, at first we see there are many peoples like Manjeet Kaur teacher, Teja Singh trader, Girish Rao student, Kanta Devi domestic worker, and Sujata कुमारी डोमेस्टिक वर्कर्स, अब्दुल रहमान आर्टिशियन, शबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लैलंग कंसल्टेंट, आइसक लैलंग गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योग राज अनएम्प्लॉयड, एंड अशोक जैन इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट. दे दीज ऑल पीपल्स आर स्टैंड इन दिस क्यू टू गिव देयर वोट, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गिव द वोट. And in this series, we can see that all peoples are equal among these all peoples to use their voting rights. Okay, so let's see what is the universal adult franchisee. When we talk about the universal adult franchisee, it means it includes the essential aspects of all democracies. The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality, because it states that every adult in a country who is above than 18 year or 18 year, irrespective of their wealth and the community he or she belongs to, has one vote. It means Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others, because each of them has one vote. बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे कि कांता नाम की एक डोमेस्टिक वर्कर है जो एक घर में काम करती है. उसकी बेटी एक बार इल हो जाती है और वो अपनी जो भी उसकी मिस्ट्रेस होती है जहाँ पर वो काम करती है उनसे जाके कुछ पैसे एडवांस में मांगती है. तो पहले तो मिस्ट्रेस उसे सारा काम करवा लेती है, उसके बाद कहती है ठीक है ये लो अब तुम्हारा एडवांस, लेकिन इसकी आदत तुम मत डालना. इसका मतलब ये हुआ कि कांता है जब इनके यहाँ वोटिंग राइट इस्तेमाल करने की बात होती है तो ये सभी लोग, चाहे वो कांता की मिस्ट्रेस हो एक लैंडलेडी, चाहे उनके हस्बैंड हो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और कोई कंसल्टेंट लॉयर हो, या कांता इवनली डोमेस्टिक वर्कर हो. कांता की एक और फ्रेंड भी है यहाँ पर, वो भी डोमेस्टिक वर्कर है जिसका नाम है सुजाता कुमारी. अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउस वाइफ है. ये सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी जो है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और इन सभी को इक्वल राइट है कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करें. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो भारत के संविधान में उसको एक इक्वल राइट मिला हुआ है कि वो
वोट देने का अधिकारी है, और हम सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए भी, हमें सभी को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सभी जो है एक अच्छी सरकार बना सकें। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट क्रीड का हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हो, इवनली वो डॉक्टर हो या नर्स हो, कोई भी हो व्यक्ति, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, हर व्यक्ति को एक इक्वल राइट मिला है वोटिंग करने का। लेकिन इसी के क्रम में हम आगे और भी देखते हैं कि हम अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वो किस टाइप की इक्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, एंड लेट अस सी व्हाट द, यानी कहने का मतलब ये कि बेटा कांता और कांता के जैसे बहुत सारे लोग जो है, जो कि घरों में काम करते हैं, घरेलू काम काज करके अपनी अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन इन सभी को इक्वल राइट है वोट देने का, लेकिन इनकी जो डेली लिविंग है, डेली कंडीशंस है, वो सबके बराबर नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो पुअर पीपल है उसका भारत में बहुत अनइक्वल, या कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इस तरीके से हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। जैसे हमारे देश में बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, जैसे कि किसी के साथ कास्ट और क्रीड के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हायर कास्ट का, एक लोअर कास्ट का है, एक SC है, एक ST है, यानी कि एक शेड्यूल ट्राइब्ड है, एक शेड्यूल कास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो कि लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, यानी कि जो कास्ट में विश्वास रखते हैं, अभी आपने मैट्रिमोनियल्स में भी देखा होगा, मैट्रिमोनियल जो शादी के इश्तिहार निकलते हैं उनमें भी ये बताया जाता है कि ये फला ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, वैश्य जाति का व्यक्ति है, क्षत्रिय है या शूद्र है या लोअर कास्ट है या हर कास्ट है, उनको उनके हिसाब से मैट्रिमोनियल वो ढूंढते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिफाइन भी किया गया है, और कास्ट के अकॉर्डिंगली जो इक्वालिटी राइट है वोट का, उसमें कोई भी फर्क नहीं किया गया। अगर हम और दूसरे तरफ की इनइक्वालिटी की बात करें, कि जहां असमानता की बात की जाती है, तो दलित जो लोअर लोग होते हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको दलित एड्रेस किया जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटे हुए व्यक्ति। टूटे का मतलब है कि जो लोग अलग अलग, जिनसे अलग तरीके से व्यवहार किया जाए। एक है यहाँ पर, इन्होंने डिस्कस किया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस दलित राइटर है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन, उसमें बताया था कि जब वो एक स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए उनको इक्वल राइट नहीं दिया जाता था, और बच्चों को तो पढ़ाने के लिए मास्टर साहब अंदर बैठाने के लिए बोलते थे, लेकिन वो चूंकि दलित समाज से थे तो इसलिए उनको बोलते थे कि नहीं तुम क्लास से बाहर बैठ के पढ़ोगे, और दूसरे बच्चों के साथ फूड शेयर नहीं कर सकते, और जब दूसरे बच्चे पढ़ते तो उनकी पूरी ड्यूटी लगा दी जाती थी कि वो पूरे स्कूल में झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे। ये सब देख के उनके पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता था, और एक बार उन्होंने इसके लिए आवाज़ भी उठाई और हेडमास्टर साहब से भी कहा, तो हेडमास्टर जी ने वहाँ पर उत्तर ये दिया कि चूंकि तुम लोग जो है एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हें एक इक्वल राइट नहीं है। अब ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शामिल की हैं ओम प्रकाश जी ने। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी बच्चों देखने को मिलता है कि देखिए किस तरीके से इनइक्वालिटी है। एक पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हेडमास्टर है, वो भी इस इनइक्वालिटी में विश्वास करने लग गया, और उसने उस बच्चे को वो पढ़ने का समान अधिकार नहीं दिया जैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे जो अपर कास्ट के थे। ऐसे ही सेकंड स्टोरी यहाँ पर डिस्कस की गई है कि मिस्टर एक मिसेज अंसारी होते हैं, वो मोहम्मदन हैं, और वो जाते हैं एक सिटी में अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, रेंट पे लेने के लिए। तो लेकिन क्या होता है कि उनको उस समाज में जहाँ पर सारे हिंदू लोग होते हैं, तो वहाँ पर अंसारीज नाम है चूंकि उनके साथ जुड़ा हुआ, तो लोग समझते हैं कि ये मांस मछली मदिरा पीने वाले लोग हैं या मीट खाने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनको कहीं पर आसानी से उनको होम रेंट पर नहीं मिलता। हालांकि उनको जो डीलर होता है, उनका प्रॉपर्टी डीलर जो उनको कमरा दिलाने की बात करता है, वो उनसे कहता भी है कि चलो आप अपना नाम चेंज कर लो तो शायद आपको जो है, कास्ट आप चेंज कर लो तो आपको जो है, हम लोग झूठ बोल सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस कुमार है तो उसके नाम से आपको कमरा मिल जाएगा। लेकिन इस बात पर वो लोग मना कर देते हैं कि हमें ऐसे झूठ बोल के रेंट पे नहीं चाहिए कमरा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर देखिए कास्ट और क्रीड के हिसाब से, कास्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी जाति विशेषता की ध्यान रखते हुए, देखिए एक तो हेडमास्टर साहब ने वहाँ पर इनइक्वालिटी की ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, यहाँ पर भी देखिए मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के साथ भी एक हिंदू बस्ती के अंदर इनइक्वालिटी का प्रावधान किया गया। इससे ये पता लगता है कि जो हम लोग बार बार इक्वालिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पर जाके डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है लोगों के साथ में। और लेकिन हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि नहीं, हमारे संविधान में कहा गया ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और ऑल पीपल हैज इक्वल
वोट राइट, वोटिंग राइट, सभी को बराबर समान रूप से अधिकार दिया गया और सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स इत्यादि के क्यों ना हो। अब आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। जब ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ जाती हैं तो लोग जो है अपनी डिग्निटी की तलाश करते हैं कि हमारी एक्चुअली डिग्निटी क्या है और हमें अनइक्वल क्यों समझा जाता है। तो इस तरीके से जो उनकी डिग्निटी है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं वायलेटेड होती है, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट को भी धक्का लगता है। और यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक संविधान बनाया और संविधान के अंतर्गत आते हुए सभी को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी लेने का अधिकार है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड ऑल पीपल हैज इक्वल अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, क्रीड एंड दे एनी वन पीपल शुड हैड नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट इन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो इन इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी, हम इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, हर पर्सन इक्वल है। कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, चाहे छोटा बड़ा, जो भी, गरीब अमीर, हर एक व्यक्ति, चाहे वो ट्राइब का हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सभी को इक्वल माना गया है। और किसी भी व्यक्ति को उनके इस इक्वालिटी के अधिकार को हनन करने का अधिकार, यानी कि राइट, नहीं दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि हमारे सामने इसके अलावा भी जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, पहली बात कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। किसी भी टाइप का लॉ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में पास करते हैं तो उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेसेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, उस पर कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ओके, थर्ड बात कही गई है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर एक व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस, पब्लिक मार्केट, शॉप, होटल, प्लेग्राउंड, हर जगह जाने का पूरा पूर्ण अधिकार है, उसको कोई भी वहां से जाने से रोक नहीं सकता। ये है इक्वालिटी का मतलब हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बातें कही गई हैं कि पहली तो क्या है कि फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता डोमेस्टिक हैज टू ओबे टू द सेम लॉ, मतलब सभी को सेम लॉ मानना पड़ेगा। ऑल पहला है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड कहते हैं, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और उसके बर्थ प्लेस के आधार पर, जन्म के प्लेस के आधार पर, उसको मेल या फीमेल के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। तीसरी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है कि सभी लोग जो कि पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सार्वजनिक जो प्लेसेस होते हैं, जैसे शॉप्स हैं, मार्केट है, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, उनसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सभी को वहां पर पूर्ण रूप से बराबर जाने का अधिकार है। चौथे में कही गई कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश, कि जो छुआछूत की हम लोग मनाते हैं, जैसे कि कोई कुएं पे नहीं जाएगा, कोई रोड पे नहीं चलेगा, बाथिंग घाट्स पे नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें जो गांव में अक्सर मानी जाती थी, वो अब चीजें नहीं मानी जाती, कोई भी अछूता नहीं रह गया है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग के यहाँ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2001 में ये बात कही कि तमिल नाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सन 2001 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की और उसमें ये कहा गया कि सभी बच्चे जो किसी भी कास्ट क्रीड के हों, उन सभी को अधिकार है कि 6 महीने के अंदर सभी के लिए बराबर स्कूल के प्रोग्राम चलने चाहिए। और ये मेनली जो बात कर रहे हैं बच्चों, मिड डे मील की बात करें कि मिड डे मील जो है वो तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और ये मिड डे मील 6 महीने के अंदर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी कास्ट क्रीड व्यक्ति के बच्चों के लिए, सभी के लिए है, और जितने भी स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल, उनमें 6 महीने के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए। और दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इस प्रोग्राम को, मिड डे मील जो योजना चलाई गई सभी बच्चों के लिए, इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। इसमें जो है मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, मतलब जो गरीब बच्चे थे, जो पहले बेचारे भूख से इनके पास खाना नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, उनके गरीब लोगों के बच्चे जो है वहाँ कमाने के लिए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है किसी बच्चे को पढ़ाई से वंचित रहने की, हर एक बच्चा जो है वो रेगुलर अटेंड करेगा स्कूल, क्योंकि उसको वहाँ पर मिड डे मील खाना अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो बढ़ा, स्कूल में अटेंडिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ गई, रेगुलर बच्चे जाने लग गए, तो उनके माँ बाप भी उनको भेजने लगे कि चलो मेरे बच्चों को कम से कम वहाँ खाना तो मिलेगा। जो बहुत ही लोअर कास्ट के, लोअर जो लोअर पीपल हैं, जिनके पास वो हैंड टू माउथ जीते हैं,
जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो डेली डेली आने लग गए स्कूलों में, और उनको कम से कम ये इसलिए भेजने लगे कि कम से कम उनके पेट तो भरेंगे, स्टमक उनका खाली नहीं रहेगा। इसलिए भी लोग जो दलित समाज के लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। अब हम अदर एक बात करेंगे, यहीं पर एक बात कही गई है कि पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सब बातें कहने की हैं केवल, लेकिन वो अपने आप को लॉ के बिफोर अपने आप को इक्वल नहीं मानते। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, और लास्ट में उन्होंने जो है अनइक्वालिटी को, जो अनइक्वालिटी है उसका उसका उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारा काम किया। और उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे यहाँ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर विमेंस हैं, मेल और फीमेल के आधार पर जो भी इन लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको बंद किया जाए। और इसीलिए इस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। अभी भी, आज भी इस समाज में, हमारे समाज में इक्वालिटी बनाने के लिए आज भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रगल कंटिन्यू आज भी होते हैं, आज भी लोग करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक और स्टोरी आती है, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। दूसरी डेमोक्रेसीज में अगर हम इश्यूज ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो वहां पर भी देखिए 1950s की बात है कि अमेरिका में क्या हुआ कि वहां पर कुछ अफ्रीकन निग्रोज लोग भी रहते थे, उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते थे। तो वहां पर क्या था कि एक ही बस में अमेरिकन पीपल के साथ अफ्रीकी लोग सफर नहीं कर सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार 1 दिसंबर 1955 में एक वाइट मैन था, उसने क्या किया, एक रोजा पार्क नाम की लेडी चढ़ती है बस में, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन होती है या अफ्रीकन होती है, और ये जब उस बस में चढ़ती है थक हार के तो वो एक सीट मांग रही होती है। वहाँ पर एक वाइट पीपल होता है, वो उसको मना कर देता है सीट देने से, और इसमें उसका वो उससे झगड़ा भी करने लग जाता है। जब ये झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो वो रोजा पार्क उसका विरोध करती है और ये कहती है कि ये तो अनइक्वल वे है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ट्रीट करने का, इसका मतलब है कि हमें आपके बराबर राइट चाहिए। और ये बात को ध्यान रखते हुए जब उसने काफ़ी स्ट्रगल किया इसके पीछे, तो इस ये स्ट्रगल बनने के बाद में, ये होने के बाद में आखिर में वो जीत जाती है, तो वहाँ पर उसको सबको एक राइट मिलता है, सिविल राइट मूवमेंट्स। यानी कि सिविल राइट मूवमेंट का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सार्वजनिक प्लेसेस पे जाने का इक्वल राइट है। और ये एक्ट बना था 1964 में, जो कि प्रोहिबिटेड करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि कोई भी व्यक्ति अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, तो वो गलत है। ये अफ्रीका में, सॉरी अमेरिका में इसका विरोध हुआ, और उसके बाद में सभी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को और अफ्रीकन अमेरिकन लेडीज को, जेंट्स को, सभी को जो है इक्वल माना गया, और इनको इक्वल राइट देते हुए वोटिंग का राइट भी मिला, इनको इक्वली जो है स्कूलों में एडमिशन भी दिया गया, इनकी सैलरी वगैरह भी इक्वल दी गई अमेरिकन वाइट पीपल्स के जैसे, और इस तरीके से इनको इक्वालिटी के आधार पर इनके बच्चों को भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूलों सब में इक्वल इनसे ट्रीट किया जाता था। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसमें हमने यही सब पढ़ा है कि जो आज भी हमारे साथ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कि जो इक्वालिटी के आधार पर कि कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है इसको एक्सपैंड करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जिसको नहीं पता है उसको बताना चाहिए कि हाँ देखो इक्वालिटी है, कोई भी व्यक्ति कास्ट क्रीड के आधार पर अलग नहीं है किसी से, रिलीजन के बेसिस पर, मेल फीमेल के बेसिस पर आप उसको अलग नहीं कर सकते, सभी को बराबर रूप से आगे बढ़ने का, समान रूप से इज्जत पाने का, डिग्निटी लेने का, रिस्पेक्ट होने की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही है जितनी और लोगों की है, उनको पढ़ने का, एजुकेशन प्राप्त करने का और जॉब करने का, वोटिंग राइट, सबको ही इक्वल दिया गया है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। टिल देन बाय।